सो हे व्हाट्सअप गाइस, सिद्धार्थ हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब आप इस वीडियो का अगर टाइटल देख के आए हो तो आपका भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि यार हम वीडियोस बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसका लुक कुछ इस तरीके का आता है जैसा कि मेरी वीडियो के अंदर देखने को आपको मिल रहा है। उस तरीके की बात नहीं आ पाती जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में आती है। मे बी दैट्स बिकॉज हम सस्ता कैमरा यूज़ कर रहे हैं, हमारे कैमरे की क्वालिटी ख़राब है और वो लोग तो दो दो तीन तीन लाख रुपये का कैमरा यूज़ करते हैं, तो ये वाला फ़र्क तो देखने को मिलेगा ही, है ना। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने कैमरे का यूज़ करके भी, अपने सस्ते से कैमरे का यूज़ करके भी ऐसा इफेक्ट अचीव कर सकते हो, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि लाइटिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जैसा कि आप इस वाले फ्रेम को भी देख सकते हो, इवन मैं ऐसे कैमरे से शूट कर रहा हूँ तब भी ये बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ ट्यूबलाइट्स का यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे रूम के अंदर लगी हुई हैं। अब आज हम इस फ्रेम को बिल्कुल फिक्स करेंगे अच्छे से सिर्फ लाइटिंग का यूज़ करके। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप में से बहुत से लोग गलती ये करते हो कि आप लोग लाइट को रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली देख लेते हो कि यार हमें रूम के अंदर प्रॉपरली दिख रहा है तो लाइट प्रॉपर है, हम इसके अंदर वीडियो बना सकते हैं। देखो यार, ये चीज़ काफ़ी हद तक सही है लेकिन इससे गड़बड़ क्या हो जाती है कि वो जो लाइट्स हैं वो आपको तो हाईलाइट कर रही हैं, आपके ऊपर तो लाइट डाल रही हैं लेकिन वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो रही हैं। इससे आपके ऊपर प्रॉपर हाईलाइट और प्रॉपर फोकस नहीं बन पा रहा है। अब उसको अचीव करने के लिए हम करेंगे क्या, हम इन सारी लाइट्स को बंद करेंगे रूम की लाइट्स को और हम सेपरेट लाइट्स का यूज़ करेंगे। इन दिस केस मैं दो रिंग लाइट्स का यूज़ करने वाला हूँ और एक नाइट लैम्प का यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहे तो कोई और लाइट भी यूज़ करते हो सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, आपको काफ़ी हद तक फ़र्क देखने को उससे भी मिल जाएगा। अब जो हमें पहली लाइट अपने शॉट के अंदर ऐड करनी है वो होने वाली है की लाइट, जो कि हमारे सब्जेक्ट को बेसिकली फ्रंट से लाइट अप करेगी और मोस्टली जो मेजर काम होता है वो इसी का ही होता है। तो इस चीज़ के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी डिजिटेक की रिंग लाइट, जो कि आप भी मार्केट से 2-3 thousand के अराउंड परचेज कर सकते हो। और ये आपको माउंट करनी है अपने सब्जेक्ट के फ्रंट में 45 डिग्री एंगल पे, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सके। सो जैसा कि आप अभी देख सकते हो, मेरे रूम के अंदर सारी जो ट्यूब लाइट्स है वो बंद है और सिर्फ एक रिंग लाइट जल रही है जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे लगी हुई है। काफ़ी हद तक फ़र्क आ चुका है शॉट के अंदर, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा डल लग रहा है वाला शॉट। तो इसको चेंज करने के लिए अभी हमें बहुत सारी लाइटें और ऐड करनी है। तो सेकेंड लाइट जो हम ऐड करेंगे वो एग्जैक्टली मेरे हेड के टॉप के ऊपर रहने वाली है। उसके लिए भी मैं सेकेंड रिंग लाइट अपनी यूज़ करने वाला हूँ जो कि डिजिटेक की तरफ से ही आती है, और आप लोग उसे भी मार्केट से अगर चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप कोई और लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारी सेकेंड लाइट भी ऐड हो चुकी है शॉट के अंदर और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड सेपरेशन वगैरह ऐड हो चुका है, थोड़ी डेप्थ आ चुकी है शॉट के अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे सर के ऊपर और मेरे शोल्डर्स के ऊपर हल्की हल्की हाईलाइट बन रही होगी, वो कि इस वजह से क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक रिंग लाइट लगा रखी है। अब अगर आप लोगों के पास रिंग लाइट नहीं है, आप कोई सी भी लाइट यूज़ कर सकते हो, और अगर आप घर पे रिंग लाइट बनाना चाहते हो तो उसका भी मैं एक प्रोसीजर आपको दिखा दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। बट अभी इतनी भी लाइट काफ़ी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है वो बिल्कुल डार्क हो रखा है मेरे फेस का, वो कि इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी लाइट ऐड नहीं करी है। जो हमारी मेन लाइट है वो इधर है और एक लाइट ऊपर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइट ऐड करेंगे जिसकी इंटेंसिटी इस वाली लाइट से कम होगी, ये वाली हमें मेन रखनी है, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट रहेगी, ये बस हल्का सा शेडोज़ को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ वाली लाइट के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना स्टडी टेबल लैम्प, बट उसके साथ दिक्कत ये है उसके अंदर सिर्फ एक वाइट LED बल्ब है जो कि ऑब्वियसली वाइट लाइट प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग चाहो तो उसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बट मैं शॉट के अंदर थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं रेड ट्रांसलूसेंट पेपर का यूज़ करूँगा जो कि आपको स्टेशनरीज पे मिल जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये है मेरा स्टडी टेबल का लैम्प और इसके आगे मैंने एक ग्रीन पेपर लगाया हुआ है अभी, क्योंकि मैं पहले ग्रीन लाइट का यूज़ कर रहा था ऑब्वियसली, और अभी मैं इसको चेंज करके रेड वाला लगाऊंगा ताकि मैं रेड शेड का यूज़ कर पाऊँ। ये डिज्नी पिक्सार के लोगों की तरह नहीं लगता। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसके आगे मैंने रेड पेपर को ऐड कर दिया है और अब ये रेड लाइट ऑब्वियसली प्रोवाइड करेगा। तो चलो फटाफट इसको भी सेटअप कर लेते हैं। सो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी की लाइट भी सेट हो चुकी है, हमारी ये रेड लाइट भी सेट हो चुकी है और हमारी टॉप लाइट भी सेट हो चुकी है, और मैंने बैकग्राउंड में भी एक LED जला दी है। अब आप देख सकते हो स्टार्टिंग से लेके अब तक में शॉट के अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो ये देखने के बाद बेसिकली आप समझ तो गए होगे कि सिर्फ कैमरे का कमाल नहीं होता, थोड़ा बहुत लाइटिंग का भी फ़र्क आता है। मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट सेटअप है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पीछे वायर भी आपको अभी लटकती हुई दिख रही होगी। मेरा सेटअप एक्चुअली अभी क्रिएट हो रहा है, ये भी काम चला हुआ मैंने बना के आपको दिखाया है ताकि आप लोग थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट अपनी वीडियोस के अंदर कर सको।
बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और इस चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, 1000 होने वाले हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।